नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज मैं कोई गाने का ट्यूटोरियल नहीं लेके आया हूँ, मैं कुछ हारमोनिका का जो बेसिक कुछ चीज़ है ये आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि आप कोमल स्वर कैसे बजाते हैं और कौन सी हारमोनिका, मतलब सी, नेचुरल सी और सी शार्प हारमोनिका में कोमल स्वर कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा कोमल स्वर मिलेगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर ही है। दोस्तों मेरे पास दो हारमोनिका है, एक है हॉनर का, ये नेचुरल सी का है, और एक हारमोनिका है ये इंसिग्निया का, ये सी शार्प में है। मैं आज इस दोनों हारमोनिका में कौन सी नोट कहाँ पे है, पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूँ सारे गामा के हिसाब से, मैं कोमल स्वर कहाँ पे, कौन कौन सी कोमल स्वर मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोनों हारमोनिका में, एक नेचुरल सी में और एक सी शार्प में। तो पहले मैं शुरू करता हूँ नेचुरल सी की हारमोनिका से। पहले मैं सारे गामा पा धा नि सा ये बजा के सुना देता हूँ, वो भी मिडिल ऑक्टिव में। ये नेचुरल सी की हारमोनिका है, तो इसमें अगर आपको कोमल रे चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा? नेचुरल सी में कोमल रे मिलता है स्लाइडर साज, आप ब्लो करेंगे तो स्लाइडर प्रेस करके सा बजाना, मतलब ब्लो करना, तो आपको कोमल जी मिलेगा। उसका साउंड क्या होता है? ये है नॉर्मल सा। यह कोमल रे सा नोट्स की स्लाइडर प्रेस करके बजाने से आपको नेचुरल सी की हारमोनिका में कोमल रे मिल जाएगा। उसके बाद आता है कोमल गा। कोमल गा, नॉर्मल गा का साउंड क्या है? यह है नॉर्मल गा। जब हम कोमल गा बजाएंगे उसका साउंड क्या होगा? यह होता है जो रे का नोट्स है, जिस होल से हम रे बजाते हैं उसी होल को स्लाइडर प्रेस करने के बाद अगर हम ड्रॉ करेंगे, मतलब रे बजाएंगे, तो आपको मिलेगा कोमल गा। ये नेचुरल सी के हारमोनिका में। उसके बाद आता है तीब्रो मा। तीब्रो मा आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्मल जहाँ मा है उसी मा को आप स्लाइडर प्रेस करके बजाइए, आपको मिलेगा तीब्रो मा। मैं ये नॉर्मल मा है और मैं अभी स्लाइडर प्रेस करके सेम मा ही बजा रहा हूँ। ठीक है, ये नेचुरल सी के लिए है। अभी कोमल धा। कोमल धा आपको कहाँ मिलेगा नेचुरल सी के हारमोनिका में? पा को स्लाइडर प्रेस करके बजाइए तो आपको मिलेगा कोमल धा। मैं नॉर्मल पा बजाता हूँ, ये पा है और मैं अभी बजा रहा हूँ कोमल धा। ठीक है, मतलब पा को प्रेस करके अब बजाइए, आपको कोमल धा मिलेगा। अभी आते हैं कोमल नी। कोमल नी आपको कहाँ मिलेगा? धा को प्रेस करके आप बजाइए, आपको कोमल नी मिलेगा। मैं यह है कोमल नी। नेचुरल सी की हारमोनिका में कौन कौन से नोट्स कहाँ पर है? सारे गामा सा को प्रेस करने के बाद अगर आप सा बजाएंगे तो आपको मिलेगा कोमल रे। रे को स्लाइडर प्रेस करके आप बजाएंगे तो आपको मिलेगा कोमल गा। और मा को प्रेस करके बजाएंगे तो आपको मिलेगा तीब्रो मा। पा को प्रेस करके बजाएंगे तो आपको मिलेगा कोमल धा। और धा को प्रेस करके बजाएंगे तब मिलेगा आपको कोमल नी। ये जितना भी मैंने बताया आपको ऑल आर एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑक्टिव, मतलब लोअर ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव एंड हायर ऑक्टिव, मतलब आपको तीनों ऑक्टिव में ये रूल्स सेम है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ये आपका नेचुरल सी की हारमोनिका में है। अभी बात करते हैं सी सी शार्प में आपको कौन कौन सी नोट कहाँ पर मिलेगा। मैं एक बार सारे गामा पाधा निशा आपको प्ले करके दिखाता हूँ, वो भी मिडल ऑक्टिव में। तो इसमें सब नोट्स चाहिए आपको, कोमल रे भी चाहिए, कोमल गा भी चाहिए, तीव्र मा भी चाहिए, कोमल धा भी चाहिए और कोमल नी भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमल रे आपको कहाँ मिलेगा? कोमल रे मिलेगा आपको, रे को प्रेस करके बजाइए आपको कोमल रे मिलेगा। कैसे? ये रे है, ये कोमल रे है। गा कहाँ पे मिलेगा? सी शार्प हारमोनिका में जहाँ पर नॉर्मल गा है उसी को आप प्रेस करके बजाइए, आपको कोमल गा मिलेगा। मा कहाँ पे मिलेगा? मा आपको मिलेगा, आपका जो पा नोट्स है उसको प्रेस करके बजाइए, आपको मा मिलेगा, तीव्र मा, ये नॉर्मल पा, ये तीव्रमा। अभी कोमल धा कहाँ पे मिलेगा? कोमल धा भी मिलेगा, आपका जो धा का नोट्स है उसी को आप स्लाइडर प्रेस करके बजाइए, आपको कोमल धा मिलेगा, ये पाधा नॉर्मल है। ये कोमल धा है। नी कहाँ से मिलेगा? जो आपके नी का नोट्स है आपके हारमोनिका में, सी शार्प हारमोनिका में, उसी को प्रेस करके आप नी बजाइए, आपको कोमल नी मिलेगा। ये कोमल दिखा। तीनों ऑक्टिव में आपको सेम जगह ही नोट मिलेगा। तो आपके लोअर ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव और हायर ऑक्टिव तीनों जगह में जैसे मैंने दिखाया उसी तरह आपको सी शार्प में ये भी मिले। आगे मिलते हैं ऑक्टिव प्लेइंग के ऊपर एक वीडियो के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।